दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो अलग अलग प्रकार के टूल्स सारे आपको दिखाए थे, ये सभी टूल्स उनसे अलग हैं। ये टूल्स का नेक्स्ट डिस्प्ले है जो कि आप देख रहे हैं। इसमें मैं कुछ और नए टूल्स की आपको जानकारी देना चाहूंगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये जो सेट है इसके अंदर ये जो है ये 8 इंच लंबे और 38 ये टूल्स हैं। अलग अलग शेप, हर एक में शेप अलग है। और ये जो टूल सेट है ये 38 पीसीज का, ये 6 इंच की लेंथ में भी आता है और 8 इंच की लेंथ में भी आता है। तो ये जो सेट है ये 8 इंच की लेंथ में है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफी सारे हैं। हर एक की बनावट बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही बढ़िया शानदार है वर्क करने के लिए। इससे हम क्ले मॉडलिंग का और पॉटरी का, सेरेमिक का वर्क कर सकते हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर टूल के अलग अलग सेट अवेलेबल होते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने मॉडलिंग टूल के बारे में जाना था, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मॉडलिंग टूल्स का ये कंप्लीट सेट हमें देखने को मिला। और पिछले वीडियो में हमने पोटर्स रिब के बारे में बताया था, बॉक्सवुड पोटर्स रिब। तो ये देखिए, इसमें और भी अलग अलग प्रकार की ये रिब्स हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए अलग अलग शेप्स में। बॉक्सवुड से बने हुए हैं और ये देखिए नेक्स्ट, ये भी पूरा कंप्लीट सेट है ये, जो कि हमने पिछले उसमें देखा था। तो ये उस टूल का कंप्लीट सेट है, रिबन टूल। और ये एक मिनी ब्रश है, आप देख सकते हैं पीछे ये वुड से बना हुआ है, ऊपर ये ब्रश है, मिनी ब्रश। और ये जो टूल्स आप देख रहे हैं इन्हीं का छोटा सेट हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, स्मॉल साइज का सेट। ये लार्ज साइज में है और इनके ऊपर भी शेप्स जो हैं दोनों तरफ अलग अलग हैं। ये स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं और ये भी कुछ अलग टूल्स हैं, अलग अलग शेप क्रिएट करने के लिए ये टूल सेट। ये देखिए, पीछे ये ब्लैक प्लास्टिक हैंडल, ऊपर अलग अलग शेप्स। और ये देखिए, इसमें भी बहुत अलग अलग प्रकार के टूल्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल। टर्नेबल प्लेट है, ये स्मॉल साइज में है और ये बिग साइज में भी आती है। ये आप देख सकते हैं जिस तरह से हम पॉटरी में जो हमारा वो जो व्हील होता है, व्हील घूमता है, ये उस पर्पस के लिए है। ये देखिए, हम इसके ऊपर जो काम करेंगे, हम उस पॉट को इस तरह से यूं टर्न करके हम चारों तरफ से उस पर काम कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बीच में बॉल बेयरिंग लगाया गया है, इसलिए इस तरह से ये टर्न होती है। टर्नेबल प्लेट स्मॉल साइज। और ये आप देख रहे हैं इसके अलग अलग सांचे हैं, ये सांचे इसके यहाँ पर तली में लगते हैं। और मैं एक बार आपको समझा देना चाहूंगा इसके बारे में, एक मिनट। ये देखिए, ये इसके अलग अलग प्रकार के सांचे हैं। और 1 मिनट,
इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये इस तरह से है। कोई भी एक डिजाइन का सांचा, जितने तरह के डिजाइन हैं, इसमें से कोई भी एक प्लेट हम निकालेंगे और उस प्लेट को हम यहाँ फिट कर देंगे। इसको इस तरह से ये देख सकते हैं आप, ओपन करके, और इसमें से एक डिजाइन की प्लेट निकाल के हम इसमें रख देंगे और बाद में इसको फिट कर दिया जाएगा। और फिर इसके बीच में पॉलीमर क्ले डाली जाएगी, जो कि अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होती है। पॉलीमर क्ले हम इसके बीच में डाल देंगे और फिर ये जो है एक्सट्रूडर, ये हम इसको ऊपर से यूं दबाना शुरू करेंगे, यूं जोर से। तो जो क्ले इसके अंदर थी वो दबाव की वजह से आगे जो डिजाइन लगा हुआ है उसी डिजाइन में वो बाहर निकलेगी एक लाइन बन के। हम उसकी कटिंग भी कर सकते हैं या उसको डेकोरेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्ले एक्सट्रूडर है, बहुत ही अच्छा टूल है, क्ले से डिजाइन बनाने में काम आता है, पोर्ट्री टूल सेट। और अब ये नेक्स्ट टूल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये नेक्स्ट पोर्ट्री टूल सेट। इसमें अलग अलग टाइप के कार्वर्स रखे हुए हैं जो कि कार्विंग में काम आते हैं। ये देखिए, ये बेसिकली बेसिक शेप्स हैं। इसके अलावा और भी एक या दो शेप्स और होती हैं। ये देखिए आप, अलग अलग शेप के ये कार्वर्स क्ले की कार्विंग करने में काम आते हैं, काफी जब लार्ज स्केल पर काम करना हो तो बहुत यूजफुल है। ये भी सेरेमिक के टूल सेट्स हैं, क्ले सेट, सेरेमिक टूल सेट। ये सेरेमिक में काम आने वाले, क्ले में काम आने वाले, अलग अलग शेप्स में। और अब हम ये आगे वाली लाइन में आ जाते हैं। ये देखिए, ये तीन टूल्स का एक सेट है। इसके दोनों ही तरफ ये आप देख सकते हैं अलग अलग शेप्स हैं, बहुत ही सॉलिड। देखिए, और इस तरफ भी ये तीनों शेप्स अलग अलग हैं। और ये वायर ब्रश, इसमें देख सकते हैं आप, ये स्टेनलेस स्टील की बहुत बारीक बारीक वायर्स हैं। ये वायर ब्रश, और ये देखिए, इनके दोनों तरफ ये स्टेनलेस स्टील से बने हुए ये राउंड शेप्स में है। और यही टूल्स ये हैं, आप देख सकते हैं इनमें ये बहुत बिल्कुल एमएम के हिसाब में बहुत बारीक बारीक हैं पिन, राउंड पिन्स। और इसमें आप ये देख सकते हैं ये पिक साइज में है, इनमें ये हिस्से बड़े बड़े हैं और बिल्कुल गोलाई गोलाईदार हैं ये हिस्से। ये मॉडलिंग में काम आते हैं, क्ले मॉडलिंग में राउंड शेप बनाने के लिए, अंदर से गहराई में उभार लाने के लिए। और ये तीन टूल्स का एक ये सेट है, ये प्लास्टिक के टूल्स हैं क्ले मॉडलिंग के लिए। और ये शेपर्स हैं अलग अलग शेप देने के लिए। इनके ऊपर आप ये जो देख रहे हैं, ये हिस्सा रबर से बना हुआ है। जिस तरह से पेंटिंग का काम करने के लिए ब्रश होते हैं, उसी तरह से ये जो ब्रश हैं, ये क्ले मॉडलिंग के ब्रश हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, इनमें ये बाल नहीं है, ये हिस्से रबर से बने हुए हैं इनके, ये ब्लू रबर से, ये ब्राउन रबर से। और अलग अलग शेप्स हैं इनमें, और ये बहुत ही नरम होते हैं। ये हमारे उस जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हम क्ले से बना रहे हैं, उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप की शेप्स देने में शेपर्स जो हैं ये काम आते हैं। ये मीडियम साइज है, ये लार्ज साइज है, और जो मिनी साइज होता है वो अभी इसी डिस्प्ले में नहीं है, वो मैं नेक्स्ट डिस्प्ले में आपको दिखाऊंगा। मिनी साइज में भी ये होते हैं, ये भी शेपर्स हैं, ये थोड़े डिफरेंट स्टाइल में है, पर इनके बारे में मैं अभी इन्हीं के साथ बता चुका हूँ। और ये बहुत ही माइक्रो वर्क के लिए आप देख सकते हैं, ये क्ले मॉडलिंग के टूल्स हैं, बहुत ही बारीक लकड़ी से बने हुए हैं, बॉक्सवुड से। और ये देखिए, ये भी क्ले मॉडलिंग का ही टूल सेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग बनावट के साथ। इनमें सख्त लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है बनाते वक्त, ये नरम लकड़ी से बने हुए, ये सख्त लकड़ी से बने हुए, जैसा कि रंग से ही पता चलता है।
ये भी टूल्स हैं रेडवुड से बने हुए, और ये सबसे लास्ट टूल सेट ये देखिए, ये भी रेडवुड से बना हुआ सख्त लकड़ी से। तो दोस्तों इस वीडियो में भी आपने कितने सारे अलग अलग टूल सेट्स को देखा, जाना, समझा। तो उम्मीद करता हूं नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इससे भी ज्यादा टूल्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मैं आपको दूंगा, और ये समस्त जानकारी जो है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो इतना ही कहूंगा, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, बहुत ही धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।